हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ बीए डिटेलिंग। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट दिस कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग इन द शॉर्ट मैनर इन प्रीवियस पोस्ट सेम, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस वीडियो एंड एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंकिंग प्रोसेस by comparing it convergent and divergent, and after that we had mentioned many points earlier in the earlier class or the second class of our understanding the self, that is what is thinking. After that we had mentioned many points like creative thinking and the critical thinking, but these points are not completed yet. So let's start today's class with the thinking process, and the thinking process is the point of all the understanding self's question. Okay, so let's start. चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द डाइवर्जेंट एंड द कन्वर्जेंट थिंकिंग, बट मैंने ओनली मेंशन किया था प्रीवियस जो भी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, देन वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि दैट इज़ हम लोग जो ख़त्म किए थे क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म कर चुके थे, एंड उसके बाद आया था क्रिएटिव थिंकिंग। सो इन द क्रिएटिव थिंकिंग हमने बहुत कुछ कंप्लीट किया, दैट इज़ उसके क्या कंपोनेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपके बुक में ना इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है, एंड ईजी वर्ड्स में भी नहीं था। सो मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है, मॉडिफिकेशन किया है, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी मिलेगा, इसका मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि ये पूरा ओटेट सिटेट के बेस्ट है। ओके, सो यहाँ पे ना टू फेजेस है, देयर इज टू फेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिविटी, सो क्रिएटिव पीपल्स आर वेरी स्मार्ट, वेरी कॉन्फिडेंट, एंड दे थिंक मच मोर दैन द अदर पर्सन और नॉन क्रिएटिव पर्सन। सो क्रिएटिव फैक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द many ideas and the knowledge whatever they gain from the outside environment. Two phases of creativity is there, think कर लो कि दो phases हैं, ठीक है, there is two phases. तो two phases are divergent thinking and convergent thinking. So this thinking process well explained by the Guilford in 1950. According to the divergent thinking is a thought process or method used to generate creative ideas by exploring many possible solutions. Suppose divergent thinking occurs in spontaneous manner and free-flowing manner, such that many ideas are generated in an emergent cognitive fashion. So thinking is based on the cognitive domain of Bloom's taxonomy, right? Cognitive resources भी हम mention करते हैं, that is based on the knowledge and comprehension, then analysis, application, synthesis, evaluation, right? These six steps. So after that, here we mentioned as divergent thinking is a process, spontaneous process. Suppose आप कोई problem में हो या फिर आप कोई situation में हो, you need some thinking. So वहाँ पर आप think करते हो, difficulty वो present करना होता है, difficulty होता है वहाँ पर, और difficulty लगता है कि present करने में, कि कोई situation में हम कैसे present करें। But यहाँ पर mention किया है ये free flowing है, ये ऐसे निकल जाता है। सपोज मैं अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलूँ, डायग्रामेटिक अगर चलता है, डाइवर्जेंट दैट इज अ डाई मीन्स टू, राइट, डाई मीन्स होता है टू। सो सपोज थिंक कर लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, मैं एक पॉइंट पे खड़ी हूँ, ठीक है, आई एम इन ए सिचुएशन दैट आई वॉन्ट टू हैंडल ये पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ माई लाइफ विद वेरियस और विविड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके इसे सॉल्व करना चाहती हूँ। तो कैसे सॉल्व करूँ? सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, सो मेरे माइंड में ना इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, दीज आर द आइडियाज़। सो डायग्राम कैसा दिख रहा है, एक पॉइंट से हम मेनी पॉइंट्स को जा रहे हैं, एक रास्ते से निकले एंड बहुत सारे रास्ते उसके साथ कनेक्टेड है, कोई भी रास्ते में हम कहीं भी जा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट। आप यहाँ से स्टार्ट किए, सपोज आपका स्टार्टिंग पॉइंट है राउरकेला से स्टार्ट किए एंड डिफरेंट एरियाज में, कुछ लोग गए भुवनेश्वर, कुछ लोग कटक, कुछ लोग गए आपके दिल्ली, ऐसे करके आप डिफरेंट एरियाज में जाते हो। तो ये जो स्टेप्स था कि आप एक पॉइंट से निकले बट वेरियस जगह को गए, प्लेसेस को गए, तो ये चीज़ को हम मेंशन करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसे हम क्या मेंशन करेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो इसलिए बोला गया, सपोज यू आर ए प्रॉब्लम और यू फेस सम प्रॉब्लम, देन बहुत सारे ऐसे आइडियाज जेन्युइनली आपको स्पॉन्टेनियसली माइंड में आ जाते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड ओवरकम इट, तो उससे निकलने के लिए। सो दैट इज
ये कॉग्निटिव फैशन में ही आता है, आपके माइंड में इमर्स्ड होते रहता है ऑलवेज। हो गया। अभी कन्वर्जेंट इज द ऑपोजिट वन ऑफ दैट, अबव में जो पढ़े ना उसका ऑपोजिट वन होता है कन्वर्जेंट। सो कन्वर्जेंट को भी अगेन ये जो टर्म है दैट इज अ टर्म कन्वर्जेंट वाज कॉइंड बाय जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड ने इसको निकाला, ठीक है। ये साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने रिसर्च किया है क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत सारा। कन्वर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व करता है, जस्ट लाइक इसका गोल ना पहले से ही फिक्स्ड है, डिटरमिंड है, पहले से ही सेट अप गोल्स है या फिर फिक्स्ड गोल्स है। सपोज ये मेरा गोल्स है, सो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है डायरेक्टली। सो मैं क्या करूँगी, मेरा जो भी प्रोग्रेस है, मैं एजुकेशन जहाँ पे भी करूँ, मेरा स्कूलिंग जहाँ पे भी हो, डिफरेंट एरिया से आया बट सेम पॉइंट में फंस गए, वहाँ से निकले एंड हमारा फिक्स्ड गोल को हमने अचीव किया। सपोज मैंने मुझे कल एब्रॉड जाना है, ठीक है, मेरा फिक्स पॉइंट है कि मुझे यहाँ जाना है, एब्रॉड में शिफ्ट करना है। सो मैं आज सारे फैमिली मेंबर से वन बाय वन मिलके आ गए, ठीक है। सो मेनी पॉइंट से मिलके आई एंड सिंगल पॉइंट पे जाके फिक्स हो गए, तो दैट इज कॉल्ड मेनी टू वन, नॉट वन टू मेनी। मेनी टू वन अगर होता है दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट, इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये फोकस्ड रहता है कि कौन सा प्रॉब्लम है, उसी टारगेट पे एक सोल्यूशन देता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्वेश्चंस आर दोज व्हिच रिप्रेजेंट द एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ गिवन और रिमेंबर्ड इंफॉर्मेशन। सपोज आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग अगर क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहाँ पे कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो आपने इतने सारे इंफॉर्मेशन लिए उसको मिक्सडअप किया, मिक्सडअप करने के बाद आपको क्या करना है, एक ही प्रॉब्लम में आ गए, उसी प्रॉब्लम को ही सिर्फ सोल्यूशन निकालना है, वो भी एक ही सोल्यूशन। सो इट इज हेल्प, इट इज हेल्प यू टू लीड योर एक्सपेक्टेड एंड रिजल्ट और आंसर। यहाँ पे रिजल्ट फिक्स्ड है, यहाँ पे पॉइंट्स फिक्स्ड है, आपको डिफरेंट एरियाज जहाँ से भी आना है आ जाओ, बट पॉइंट एक ही रहेगा जहाँ तक पहुँचना है। बट डाइवर्जेंट भी एक पॉइंट से निकल के आप जितने आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो, जितने एरियाज में जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो वो होता है वन टू मेनी, ये होता है मेनी टू वन। आई थिंक आप लोग क्लियर हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फोस्टरिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में कैसे हम क्रिएटिविटी आइडियाज को बढ़ाएं। तो उसके लिए मैंने 10 पॉइंट्स दिए, तो उसको एक एक लाइन पे एक्सप्लेन किया गया है। लेट किड्स मेक मिस्टेक्स, बच्चों को मिस्टेक करने दीजिए, अलाउ करने दीजिए, बिकॉज फेल्यूर से ही वो सक्सीड होंगे एंड दे लर्न वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स जस्ट लाइक द पेशेंस प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द पी क्यू। इसको हम क्या मेंशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड PQ, इसे हम बोलते हैं PQ। ओके, नंबर टू, एनकरेज किड्स टू प्ले, बच्चों को खेलने के लिए एनकरेज करिए, उनको ऐसे वर्ड्स बोलिए या फिर उनको हेल्प करिए फोस्टरिंग करने में कि वो वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाए, खुद को वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड करें, बच्चे खुद को वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड करें। सो वो कॉन्फिडेंट बनेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे एंड स्पॉन्टेनियस एंड सेल्फ डायरेक्टेड हो जाएंगे अपने लाइफ में। प्रोवाइड क्रिएटिव मटेरियल्स, बच्चों को गेम के तौर पे ब्लॉक्स दीजिए, कैमरास, प्ले डफ, सैंड पेंट्स, गुप्स, कुछ भी दे दीजिए, बच्चे जैसे उसके साथ खेलते रहें एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को बनाते रहें। फ्यूल देयर क्यूरियोसिटी, हमें क्या करना है ना, उनका लेवल क्यूरियोसिटी लेवल जहाँ पे है उसको हम थोड़ा फ्यूल अप करेंगे, मतलब एनर्जाइज कर देंगे या मोटिवेशन दे देंगे कि तुम ये चीज़ को एक्सप्रेस करो, इस चीज़ को बनाओ, ये करो। आस्क क्वेश्चंस मीन्स कौन से टाइप का क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन। मॉडल कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू हेल्प किड्स चैलेंज क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर देमसेल्फ। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मीन जहाँ पे बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बच्चे छोटे से बड़े होने के रास्ते पे हैं, तब उनको ना क्वेश्चन जैसे दे वैसे वो सॉल्व नहीं कर सकते, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो दैट इजी क्वेश्चन दीजिए जहाँ पे बच्चों को डायरेक्ट आंसर पता हो एंड वो आंसर दे सके। इफ दे फील दे आर कॉन्फिडेंट, इफ दे फील दे आर कॉन्फिडेंट, दैट मीन्स वो अगर फील कर सके कि दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दे कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग और आंसर एवरी क्वेश्चन, देन दे आर क्या हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, दे आर कॉन्फिडेंट, दे फील कॉन्फिडेंट। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर अल्टरनेटिव्स, ऑलवेज ना बच्चे का एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा तो दूसरे को दीजिए, दैट इज द अल्टरनेटिव स्टडीज। ऑफरिंग
और ऑफर डिफरेंट चॉइसेस, बच्चों को चॉइसेस देना चाहिए, सजेस्ट करें बहुत सारे चॉइसेस को, उसमें से एक बच्चा सिलेक्ट करे, मेक देयर ओन डिसीजन एंड प्रिसाइज कि ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, मैं ये करूँगा. इनक्रेज ऑटोनोमी, बच्चों को खुद से करने के लिए हेल्प करो कि वो खुद ही प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं. दे थिंक दैट दे थिंक ट्वाइस एवरी टाइम बिफोर गोइंग थ्रू इट. कभी भी उससे गुजर रहे हैं तो वहाँ पे वो दो बार सोचेंगे कि यहाँ क्या करना चाहिए. एक्सप्लोर किड्स टू डाइवर्सिटी, बच्चों के जो वेराइटीज हैं, जस्ट लाइक वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वैसा थिंक अगर करें. यूज रोल प्ले, फील्ड ट्रिप्स, हॉलीडेज, जिसके थ्रू बच्चों को टाइम मिले डिफरेंट पीपल्स और प्लेसेस के साथ लिंक्ड होना पड़े, एंड दैट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज टू दैम, उनको बहुत सारे आइडियाज मिले इससे. लास्ट पॉइंट, Be open-minded. So respect and support for children's ideas and creative skill. Always ये नहीं think करना है कि बच्चों को कुछ नहीं आता. बच्चों को बहुत कुछ जगह पे बहुत कुछ आता है, तो उनके idea को, creative ideas को support करें. When they go against classroom or household rules. Only घर के और classroom के काम को छोड़ के भी जो जो उनको पसंद है वो सब भी अगर करें तो उनको support करना चाहिए. Next देखिए, There are 8 elements of divergent thinking. इसे आप सिर्फ remember करके रखेंगे. राइट, वेट, ये पॉइंट्स है कम्प्लेक्सिटी, क्यूरियोसिटी, इलैबोरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी, रिस्क टेकिंग. और एक्सप्लेनेशन का कोई नीड नहीं है, ये सारे ऐसे प्रिपेयर करना है कि 1-2 पेज में खत्म हो जाए, बिकॉज एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 2-3 पॉइंट्स आ रहे हैं एंड उसको मिला के आ रहा है. सो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है कि हमें समझना है कि कौन सा पॉइंट ईजी है एंड उसको मिक्स करके कैसे लिखना है. सो आपको मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ के लिए दिया था, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग का और भी पॉइंट्स हैं, मैं जहाँ पे कंपेरिजन अभी दिखाऊंगी. बिकॉज ये सब जानना इसलिए क्योंकि असेसमेंट पर भी है एंड इसमें भी है एंड कुछ कुछ पेडागोजी में भी है, तो आप लोग वन टाइम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा. अभी देखो मोड्स ऑफ थिंकिंग, मोड्स ऑफ थिंकिंग में आते हैं, बच्चों का मोड्स ऑफ थिंकिंग क्या है. मोड्स ऑफ थिंकिंग मतलब मुझे ये नहीं समझाना है कि कितना टाइप्स का क्या है. यहाँ पे हम ओनली कंपैरिजन 2 पॉइंट्स में दिखा रहे हैं, ये एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया. एक साइड में देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चंस हैं, माइंड में क्वेश्चंस आया, क्वेश्चंस से बहुत सारे आइडियाज आए. मैंने बोला वन से मेनी को जाता है, ये वन क्वेश्चंस है, वन से बहुत सारे आइडियाज आ गए, तो दैट इज कॉल्ड द इमेजिनेशन के थ्रू ये होता है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है, इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू भी ला सकते हैं. एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग ऑलवेज यूजिंग नॉलेज और लॉजिक टू सॉल्व इट. सपोज आपके पास ना बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं एंड फैक्ट्स हैं, यू नो वेरी वेल हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. सो आप पुट करेंगे एक एक्सपीरियंस को एंड उसके लॉजिक को एंड सॉल्व कर लेंगे, तो दैट इज द थिंक कि कन्वर्जेंट में मेनी टू वन में आते हैं एंड डाइवर्जेंट में वन टू मेनी को जाते हैं. ओके, अभी डिफरेंसेस देख लेते हैं, दैट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग. सो क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ये कंपैरिजन आपके बुक में भी मेंशन है कि कंपैरिजन दे दो, सो उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्टकट कंपैरिजन देना, वन पेज जैसा होना चाहिए. तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को सेपरेट वाइज 1-2 पेजेस करके लिखिएगा, देन उसका सेपरेशन दीजिएगा कि डिफरेंसेस ये पॉइंट्स हैं. सो फर्स्ट पॉइंट आस्क क्वेश्चंस, किसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग पे आस्क करते हैं क्वेश्चंस को. बेस देयर जजमेंट ऑन एविडेंस, एविडेंस के बेस्ड होता है जजमेंट. लुक फॉर कनेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट के अंदर कनेक्शन ढूंढता है. एनालाइज एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन, बिहेवियर, बिहेवियर जो भी कंसेप्ट है सबको एनालाइज करता है. नेक्स्ट है ब्रेक थिंग्स डाउन एंड सेपरेट फैक्ट फॉर्म्स फ्रॉम ओपिनियन, थिंग्स को ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पॉइंट्स पे एंड उसके बाद सेपरेट फैक्ट्स को समझता है एंड उससे ओपिनियन निकालता है. ट्राई टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स में कॉमन मिस्टेक को वो कम करना चाहता है. क्रिएटिव थिंकिंग में क्या है, डोंट बी इनटू फाइंडिंग द राइट आंसर, ये ट्राई नहीं करता है कि राइट आंसर को ढूंढे. देयर कैन बी मेनी राइट आंसर, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप लोगों ने जाना बहुत सारे आइडियाज और फैक्ट्स के बेस्ड होता है, सो दैट ये डिपेंड होता है बहुत सारे थिंग्स के ऊपर. डोंट ऑलवेज बी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, ये ऑलवेज लॉजिकल और प्रैक्टिकल नहीं होता,
ब्रेक द रूल्स ऑफ थिंकिंग, बिकॉज दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव ना, क्रिएटिव आइडियाज कभी भी आ सकते हैं, इसलिए रूल को ब्रेक करो. लेट योर सेल्फ फेल, कभी कभी फेल होना भी चाहिए, कभी कभी कर दो खुद को फेल, उसी से ही आप बेटर करोगे. आपके प्रैक्टिस, पैसेंस एंड परसिस्टेंस वही आपको लीड करेगा कि फर्दर आपको न्यू आइडियाज जेनरेट हो एंड न्यू थिंकिंग आए. तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस. इसके अकॉर्डिंग ना बहुत सारे वर्ड्स भी आए, वर्ड्स के बेसिस पे भी आप मेंशन कर सकते हैं. दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या आता है, एनालिटिक, कन्वर्जेंट, वर्टिकल, प्रोबेबिलिटी, जजमेंट, फोकस्ड. पांच लिखे, ज़्यादा नहीं. वैसे क्रिएटिव में आया जेनरेटिव, जेनरेट करना है, डाइवर्जन, वन टू मेनी को जाना है, लेटरल, साइड बाई साइड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी एवरी पॉसिबल वे में ट्राई करना है, जजमेंट देना है, सस्पेंडेड जजमेंट, उसमें जो फ्यूज फॉर्म में है जजमेंट उसको देना है, डिफ्यूज एंड सब्जेक्टिव्स. और भी है, दैट इज ओके. सो अगेन और भी पॉइंट्स था, दैट इज ये जो होता है आपका क्रिएटिव वो एक आंसर है, बट ये बहुत सारे आंसर्स माइंड में आ सकते हैं क्रिटिकल के लिए, बिकॉज ये एक आंसर है तो बहुत सारे हो सकते हैं. इसमें एक ही आंसर फिक्स्ड है, ऐसा थिंक करके करेगा. ये लेफ्ट ब्रेन में होता है, दैट इज आपका जो क्रिटिकल है. राइट ब्रेन में क्रिएटिव आता है. ये वर्बल फॉर्म में है, ये विजुअल फॉर्म में है, ये लीनियर है, सिंगल लाइन पे चलता है, बिकॉज इसका एक फिक्स पॉइंट है, एसोसिएटिव है, बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट करके चलता है. ये रीजनिंग है, जहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है. ये रिचनेस है, नोबिलिटी है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं और भी ज़्यादा चीज़ें जनरेट हो पाती हैं. यस बट मतलब ये हो सकता है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग यस है, हाँ होना चाहिए, ऑब्वियस है, बट फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स पे हम फेल्योर हो सकते हैं. बट यस एंड यहाँ पे फेल्योरिटी है, फिर भी सक्सेस है, ठीक है. सो उसके बाद आता है आपका कॉग्निटिव लर्निंग. कॉग्निटिव लर्निंग मीन्स होता है जहाँ पे हम बहुत सारे लर्निंग प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट आइडियाज को गेन करते हैं, अपने नॉलेज को गेन करते हैं, फैक्ट्स को गेन करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड द कॉग्निटिव. कॉग्निटिव मीन्स क्या होता है, जो आपके पास नहीं है वो आपके डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन के थ्रू आपने लर्न किया. तो ये फर्स्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, उसी को ओनली मैनेज करके मैंने लिख दिया है. सो आई होप आप लोग लिख सकते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कॉग्निटिव ऑलवेज हेल्प करता है लोगों को कि वो न्यू थिंग्स को ऑलवेज लर्न करें और उसे प्रोसेस करें एंड उससे नॉलेज गेन करें एंड मास्टरी गेन करें, अपने कैरियर पर उसको यूज़ करें, राइट. उसके एप्लीकेशंस भी हैं, फोस्टर इनोवेशंस कॉग्निटिव के थ्रू, ब्रेन एक्टिव होने से इनोवेशंस आएगा, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, एंश्योर फास्टर लर्निंग, प्रोमोट कम्प्रीहेंशन लर्निंग, एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हो गया. इसके बाद यहाँ पे थिंकिंग स्किल है. थिंकिंग स्किल में क्या होगा, जस्ट लाइक थिंक करेंगे ना, थिंक ट्वाइस बिफोर गो, थिंक ट्वाइस बिफोर डू, ऐसा मेंशन करते हैं ना, तब क्या होता है. थिंकिंग स्किल आर द मेंटल प्रोसेस. ये वन काइंड ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस ही है, जिसमें हमें सेंस ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए. दैट मीन्स हमें नॉलेज होना चाहिए कि एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट इज द सेंस. तो इस सेंस को हम यूज करेंगे एज ए थिंकिंग स्किल. सो हम उसके थ्रू टू डू थिंक लाइक सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेक डिसीजन, आस्क क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्ट प्लान्स, इवैल्यूएट आइडियाज, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम को, डिसीजन लेने के लिए, क्वेश्चन आस्क करने के लिए और प्लानिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो ये जो आपका कॉग्निटिव लर्निंग एंड थिंकिंग स्किल है, ये लर्निंग असेसमेंट का पॉइंट था. आप लोग प्लीज चेक करें प्रॉपरली, एनवास से इसको पढ़ लें, एंड उसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग था उसको भी कर लें. सो इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे,